वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स की वेरिएबल को हम क्या नाम दे सकते हैं और क्या नहीं, लाइक चार्ली 420, सुपरस्टार महेश, पापा की परी, क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर इन द सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन सी प्रोग्राम एंड सम एसेंशियल रूल्स फॉर राइटिंग अ वेरिएबल नेम इन सी प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज वेरिएबल? लाइक मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल होते हैं, जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है कॉन्स्टेंट की तरह, वैसे सी लैंग्वेज में भी वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएबल मे चेंज और मे वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सो द सेकेंड थिंग अबाउट अ वेरिएबल इज, इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर सम डेटा और वैल्यू और कॉन्स्टेंट। मीन्स एक वेरिएबल किसी डेटा की मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कोई डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ स्टोर है वो हमें वेरिएबल की हेल्प से पता लगता है। लाइक ये कंप्यूटर की रैम है मेमोरी, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर हैं, लाइक 10, 20, 30 कुछ भी, ओके? और इन वैल्यूज का कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ न कुछ एड्रेस होगा, राइट? तो जब हमें किसी वैल्यू लाइक 10 को सी प्रोग्राम में यूज करना है तो हम डायरेक्टली तो उसे यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें उसकी मेमोरी लोकेशन के बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ स्टोर है। तो हम क्या करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को नाम दे देते हैं, लाइक ए। तो ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, ओके? नाउ अगर हमें प्रोग्राम में किसी दूसरी वैल्यू लाइक 20 को यूज करना है तो हम उस मेमोरी लोकेशन का नाम ए रख देते हैं जिसमें 20 स्टोर है। इस तरीके से हम एक ही वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एक वेरिएबल में जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, वेरी करती है जब हम मेमोरी लोकेशन के नेम को चेंज करते रहते हैं, ओके? नाउ द थर्ड थिंग अबाउट अ वेरिएबल इज, फॉर एग्जांपल एक टिफिन बॉक्स है, मान लीजिए वो कंप्यूटर की मेमोरी है। तो टिफिन में जो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, रोटी रखने के लिए अलग, सब्जी के लिए अलग, तो अब जो ब्लॉक सब्जी रखने के लिए बनाया गया है उसमें आप रोटी तो नहीं रख सकते, राइट? वैसे ही कंप्यूटर में डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, लाइक इंटीजर के लिए अलग, डेसिमल के लिए अलग और करेक्टर के लिए अलग। तो ये जो अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं, इंटीजर, डेसिमल, करेक्टर, इनके लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो डेटा टाइप के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि इंटीजर वैल्यूज के लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं, डेसिमल वैल्यूज के लिए फ्लोट और करेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं, ओके? तो यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हो वेरिएबल की विद एग्जांपल। तो यहाँ ए, बी और एच वन ये वेरिएबल है। Now the point is how to declare and initialize a variable in C program. तो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स ये है, डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम एंड देन सेमीकोलन। ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो तो कंपाइलर एरर शो करेगा। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि कंप्यूटर की कितनी मेमोरी इस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल लाइक ए के लिए रिजर्व कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बेस्टी क्लास में आपके लिए सीट रोक के रखता है ना, कि आज तो दोनों भाई आगे वाली सीट पर बैठेंगे, फिर आप लेट हो जाते हो तो आप उसको बोलते हो सीट रोकने के लिए, राइट? वैसे ही जब हम सी प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि हम सी कंपाइलर को बोल रहे हैं कि भाई इतनी जगह किसी भी वेरिएबल लाइक ए, बी, राम, श्याम के लिए रख दे। अब बात आती है कि कितनी जगह चाहिए, आपका दोस्त मोटा है, पतला है, उस हिसाब से वो जगह ऑक्यूपाई करेगा। वैसे ही वेरिएबल के लिए कितनी जगह चाहिए वो हमें डेटा टाइप की हेल्प से पता चलता है। अगर हमने इंट डेटा टाइप का यूज किया है तो हमें 4 बाइट की जगह चाहिए, और अगर फ्लोट का किया है तो भी 4 बाइट, और अगर कैरेक्टर का तो 1 बाइट। वैसे तो ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है। तो डेटा टाइप और उसके साइज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए मैंने आपको बेसिक्स आइडिया दे दिया। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक सी प्रोग्राम में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, इंट ए एंड देन इन द सेकंड लाइन इंट बी, ओके? और अगर आपको एक ही लाइन में डिक्लेयर करना है तो आप दोनों वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, इंट ए बी सेमीकोलन, ओके? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद अब हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इनिशियलाइजेशन
इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम सी प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तभी आप उसको वैल्यू भी दे दो, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम इज इक्वल टू सम डेटा और वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हमने एक वेरिएबल बनाया है ए और उसको वैल्यू दे दी 10। अगर आप चाहो तो ये सारा एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, लाइक इंट ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ओके, तो वेरिएबल को एक प्रोग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं कि ये हमने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। तो जब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 10। नाउ अब अगर हमें ए की वैल्यू को चेंज करना है, लाइक ए इज इक्वल टू 20 पुट करना है, तो हम ऐसे करेंगे। एक बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने डायरेक्टली ए की वैल्यू को चेंज किया है, वापस से डिक्लेयर नहीं किया, लाइक इंट ए इज इक्वल टू 10। क्योंकि सी प्रोग्राम में एक वेरिएबल को डिक्लेयर आप एक ही बार कर सकते हो बट उसकी वैल्यू को चेंज आप बहुत बार कर सकते हो। तो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमें ए की वैल्यू जो प्रिंट हुई मिलती है वो है 20। इस तरीके से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं सी प्रोग्राम में। तो अब हम देखते हैं वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स की वेरिएबल को हम क्या नाम दे सकते हैं और क्या नहीं, लाइक चार्ली 420, सुपरस्टार महेश, पापा की परी, क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? चलो देखते हैं। तो इसका पहला रूल है कि हम वेरिएबल नेम में सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं और किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज हम वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते हैं। और एक वेरिएबल नेम को हम सिर्फ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी किसी भी स्पेशल सिंबल या फिर डिजिट का यूज हम नहीं कर सकते हैं एक वेरिएबल नेम को स्टार्ट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ram48_sanju, jack_28, ये सारे एग्जाम्पल सही है, लेकिन 1 to AP इसमें वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो ये गलत है, और इन दोनों में स्पेशल सिंबल का यूज हो रहा है जो कि हम वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे एग्जांपल गलत हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम, मींस एक वेरिएबल नेम में हम कोई भी कोमा या फिर व्हाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक स्पेस 500, तो इसमें हम स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे वेरिएबल सम कोमा 4, ये सारे एग्जांपल गलत हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का मीनिंग अलग अलग होता है वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल ये जोन और ये जोन दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये सेम नहीं है। नेक्स्ट इज ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड, मीन्स एक वेरिएबल नेम कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले ही डिफाइंड किया जा चुका है कंपाइलर में। फॉर एग्जाम्पल हाँ इंट वेरिएबल नहीं है, एक कीवर्ड है, तो ये एग्जाम्पल गलत है, हम ऐसे किसी भी कीवर्ड का यूज वेरिएबल में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंट को कैपिटल लेटर्स में लिख देते हो या फिर आई को कैपिटल बाकी स्मॉल में लिख देते हो तो वो एक कीवर्ड नहीं रहता है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है, तो ये एग्जाम्पल सही है, आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन बी 31 कैरेक्टर्स, मींस मैक्सिमम आप 31 कैरेक्टर का एक वेरिएबल लिख सकते हो, हालांकि ये कंपाइलर पर भी डिपेंड करता है, कई कंपाइलर्स 31 से ज्यादा कैरेक्टर के वेरिएबल नेम को भी अलाउ करते हैं। 31 कैरेक्टर बहुत होते हैं एक वेरिएबल नेम के लिए, क्योंकि जितना बड़ा हम वेरिएबल नेम लिखेंगे उतनी ही हमारी प्रोग्राम में डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमें बार बार वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है, तो बार बार हम उसे टाइप करेंगे तो मुश्किल होगी। तो एक प्रोग्राम में वेरिएबल लिखने के लिए आपको इन सब रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो ये आपका असाइनमेंट है इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको 1 नंबर के स्क्वायर का प्रोग्राम लिखना है। स्क्वायर कैसे करते हैं, 1 नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके, तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको इनमें से करेक्ट वेरिएबल नेम को चूज करना है। ओके, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे वो नाम रख सकते हो वेरिएबल का। वेरिएबल का नाम शॉर्ट एंड स्वीट और मीनिंगफुल होना चाहिए। लाइक अगर आप 2 नंबर्स लाइक ए और बी को ऐड कर रहे हो तो आप तीसरे वेरिएबल सी में स्टोर करवा सकते हो, बट ये मीनिंगफुल नहीं है। अगर आप सी की जगह सम वेरिएबल का यूज करते हो तो ये ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा अच्छा लगता है, सी नहीं। सिमिलरली अगर आपको किसी की लेंथ का वेरिएबल बनाना है लाइक स्क्वायर की लेंथ का, तो आप ऐसे वेरिएबल नहीं बनाओगे फ्लोट लेंथ ऑफ स्क्वायर। ये वेरिएबल सही है लेंथ ऑफ स्क्वायर, ये सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है वेरिएबल के, फ्लोट इंट जिस भी डेटा टाइप में आप स्टोर करवाना चाहते हो इसको, बट ये काफी बड़ा है। इसकी बजाय अगर आप ओनली यूज करते हो फ्लोट लेंथ
तो ये ज्यादा मीनिंगफुल है, शॉर्ट भी है, ओके। और अगर आपको बार बार लेंथ वेरिएबल का यूज करना है प्रोग्राम में तो आप इससे भी छोटा लिख सकते हो, लाइक फ्लोट एल। प्रोग्राम देखने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा कि L जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आपको किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा लेंथ का यूज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, फ्लोट या इंट, जो भी आप डेटा टाइप लगाना चाहो, L1, L2, L3, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे एक वेरिएबल को लिखने के रूल्स और एक वेरिएबल को लिखा कैसे जाता है। आई जस्ट होप आपको अगर रियली समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।